रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क और कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम पढ़ने हैं और उसके साथ उनके क्या रोल है समझो। जहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कनेक्टिविटी के बेस पे दो पार्ट में बांटा गया, एक को कहा गया क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व, और दूसरे को कहा गया स्पाइनल नर्व। क्या कहा गया? स्पाइनल नर्व। बस तुमको इसमें याद क्या रखने वाली चीज है कि जो क्रैनियल नर्व होता है वो क्रैनियल नर्व 12 पेयर होता है, होता है 12 पेयर, और जो स्पाइनल नर्व होता है वो कितना होता है 31 पेयर। कितना होता है? 31 पेयर। देखो 12 पेयर और 31 पेयर, क्रैनियल जो है इसके जो 12 पेयर जो नर्व है ये 12 पेयर वर्क काम करते हैं बेटा हेड रीजन, काम को वर्क करते हैं हेड रीजन, जो हमारा पूरा का पूरा हेड है इस हेड रीजन के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इसमें कुछ सेंसरी होते हैं और कुछ मोटर होते हैं, क्लियर। और जो स्पाइनल नर्व है वो हमारे बॉडी के हेड रीजन के अलावा नेक टू फुट जो रीजन है उसमें वर्क करते हैं, और वहाँ पे जो हमको कंट्रोल एंड कंडीशन में काम करना होता है वो वहाँ पे घूम होता है, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बातें याद रखना, जो इम्पोर्टेंट है तुमको इससे इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे पे आएगा नहीं, ठीक है। कभी कभी अगर क्वेश्चन जब तुम इलेवंथ क्लास में जाओगे तो इन सारे 12 पेयर जो क्रैनियल नर्व है इनका और जो 31 पेयर स्पाइनल नर्व है इनका नाम पूछता है, तो वो 11th और 12th क्लास में बात है, हमको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत, क्लियर। लिखना है इसको, बाकी चैप्टर खत्म होते ही तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेड मिलेंगे, व्हाट्सएप पे नहीं प्रिंटेड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है बेटा, उसको कॉपी में लिख लेना। नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, समझना है सबको। अभी चलो हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम बताया था तो याद है ना, उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। ऑटोनॉमिक क्या करता था, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है उनको कंट्रोल करता था, और सोमैटिक क्या करता था, जितने वॉलेंट्री एक्शन है उनको कंट्रोल करता था। ऑटोनॉमिक के दो पार्ट बताए थे, कौन कौन सा बेटा? सिंपैथिक एंड पैरासिंपैथिक। सिंपैथिक क्या करता था कि अगर कोई कंडीशन आता था तो बॉडी में एक कंडीशन क्रिएट करता था एक्स्ट्रा कंडीशन, और पैरासिंपैथिक क्या करता था, उसको बोलते नॉर्मलाइज करता था, क्लियर। जैसे बॉडी के हार्ट बीट को बढ़ा देना, तो कौन करेगा? सिंपैथेटिक, और बॉडी के हार्ट बीट को जो कंडीशन गुजर जाए या स्थिति, मान लो मैं दौड़ के सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर आ रहा हूँ तो इस टाइम पे क्या होगा, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाए, इसने किया सिंपैथेटिक, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया थोड़ी देर बाद वो हार्ट बीट नॉर्मल हो गया तो किसने किया? पैरासिंपैथेटिक, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसके बाद हमको पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, द लास्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम का, इसके बाद हम लोग हार्मोनल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। देखो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कुछ है नहीं, ये एक रिस्पॉन्स है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बेटा? एक रिस्पॉन्स है, और जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स होगा तो किसका रिस्पॉन्स होगा? स्टिमुलस का। कोई ना कोई चेंज हुआ होगा हमारे सराउंडिंग में, उसी को रिस्पॉन्स कर रहा होगा, ठीक है। याद करो स्टिमुलस के बारे में क्या बताया था, कि हमारे सराउंडिंग में किसी भी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में ऐसा कोई भी चेंज जिसको वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करे उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस, क्लियर। तो स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है। अदर रिस्पॉन्स से रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंस डिफरेंट कैसे है? पहला तो ये क्विक रिस्पॉन्स है, पहला क्या बेटा? क्विक रिस्पॉन्स है, और दूसरा ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। क्या होता है बेटा? इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, क्विक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स को मेनी स्टिमुलस इज नोन एज व्हाट? रिफ्लेक्स एक्शन। ध्यान से समझो, कभी कभी क्या है ना कि हम कभी कभी अपने माइंड सेटअप में या कभी कभी कोई रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाते टाइम ये कह देता है कि रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। बेटा ध्यान से समझो, रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप के होते हैं, एक रिफ्लेक्स एक्शन जो हेड रीजन में होता है और एक रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे नेक टू फुट रीजन में होता है। जो हेड रीजन में होगा उस रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व कौन होगा बेटा? ब्रेन। और जो हेड टू जो नेक टू फुट रीजन में होगा उसमें इन्वॉल्व कौन होगा? स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान से समझो यहां पे। तो रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई व्हिच इज क्विक एंड इनवॉल्वेड। रिफ्लेक्स एक्शन एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई का वो रिस्पॉन्स है जो क्विक और क्या हो रहा है? इन्वॉल्वेटरी हो रहा है, मतलब वो बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड हो जाता है और इतना जल्दी से होता है कि वो हमको पता भी नहीं चलता, इस वजह से वो क्या होता है? इन्वॉल्वेटरी होता है। ध्यान से समझना,
रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होता है? एक जो हमारा क्रेनियल रिफ्लेक्स होता है और एक स्पाइनल रिफ्लेक्स, एक होता है क्रेनियल रिफ्लेक्स और एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। फिर से क्रेनियल रिफ्लेक्स और काम करेगा बेटा हेड रीजन, कहां पे करेगा हेड रीजन, और स्पाइनल रिफ्लेक्स नेक टू फुट रीजन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से समझना, दोनों का एक एग्जांपल। फिर उसके बाद आर्क बनाएं, खड़े हो किसी, जैसे समझना क्या होता है कि किसी अंधेरे कमरे में खड़े हो, ठीक है, और तुरंत वहां पे किसी ने बल्ब जला दिया, ठीक है, ऐसे स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी आई, बल्ब में लाइटिंग स्टार्ट की, तो तुम्हारा एक पल के लिए आंख क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है, तुरंत एक झटके से, और फिर धीरे धीरे वो ओपन हो जाता है। हुआ क्या कि तुम्हारी जो आईज, वो आई अंधेरे के अकॉर्डिंग, जो प्यूपिल है वो अंधेरे के अकॉर्डिंग क्या हो चुका था, एडजस्ट हो चुका। अंधेरे में प्यूपिल कैसा होता है बेटा, बड़ा होता है। क्यों? देखो ध्यान से समझो, कैसे उसको समझोगे, हमारे आंख के लिए एक आइडियल इंटेंसिटी का लाइट चाहिए होता है, हमारी आईज के लिए एक आइडियल इंटेंसिटी का लाइट चाहिए होता है, मानो 10 का जो 10 क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी का हमको लाइट चाहिए होता है। अभी क्या हुआ कि जब अंधेरा हुआ तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हुई, कम, लेकिन हमारे आईज को आदत थी कितने की, उससे ज्यादा लाइट इंटेंसिटी, तो हमारा प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकि जितना भी ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या कर सके, एक्सेलरेट कर। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या हुआ कि तुमने जैसे ही वहां पे स्विच ऑन किया, बल्ब जला वहां पे, तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, उस बढ़े हुए प्यूपिल में क्या हुआ, लाइट बहुत ज्यादा जाने लगा, जो कि उस आईज के लिए रेगुलर नहीं था, उसने क्या किया अपने आंख को बंद कर लिया, ताकि प्यूपिल का साइज बिल्कुल छोटा हो जाए, तो धीरे धीरे उस लाइट के अकॉर्डिंग अपने आंख को खोल दिया। क्लियर? तो ये जो क्विकली बंद हुआ और उसके बाद धीरे धीरे खुला, तो ये भी क्या था, क्विक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। जिस टाइम पे बंद होता है तुमको पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है कि मेरी आंख बंद हो गई, ठीक है, तो ये क्विक एंड जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स था वो क्या था, एक रिफ्लेक्स था। दूसरी बात, मान लो क्या हुआ कि तुम बैठे हुए कहीं पे या किसी गर्म प्लेट पे तुमने हाथ रख दिया, ठीक है, तो तुरंत वहां से हाथ हटाते, सारे एग्जांपल कल बता रखा था, तुरंत वहां से हाथ हटाते हो, तो ये क्या था, जब तुम वहां से हाथ हटा रहे हो तो तुम्हें पता नहीं होता कि तुम हाथ हटा रहे हो, आसमान में जब हाथ हटा रहे हो तो तुम्हें पता नहीं चलता है कि तुम हाथ हटा रहे हो, जैसे टच हुआ क्विकली तुमने हटा लिया। क्लियर? तो ये क्या था कि स्पाइनल रिफ्लेक्स का एग्जांपल। क्लियर ना? तो तुम्हारे सिलेबस में क्रेनियल रिफ्लेक्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की गई, बात किसके बारे में की गई है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन बहुत टफ नहीं है, चाहे वो क्रेनियल हो चाहे वो स्पाइनल हो, तुम इजीली बता सकते हो, क्या डिफरेंस आता है उसको बताने में समझना है, बहुत कोई हवा चीज नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे तुमसे कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन पूछ लो उसको एक्सप्लेन करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है, ये उसका हाथ हो गया मान लो ऐसे, ठीक है, उसने यहाँ पे ये मान लो कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसने यहाँ पे हाथ रखा, ठीक है, यहाँ पे हाथ रखा, तो देखो एक चीज ये बता रहा है, सारे के सारे रिस्पॉन्स तुमको यहाँ दोबारा से याद आएंगे कैसे हैं, जैसे उसने इस प्लेट पे हाथ रखा, ठीक है, इस प्लेट पे हाथ रखा तो उस प्लेट पे जो उसके हाथ की प्रेजेंट, जो हमारे सेंस ऑर्गन यानी कि कौन सा सेंस ऑर्गन है, स्किन, कौन सा सेंस ऑर्गन, स्किन, स्किन उस हॉट प्लेट को टच किया, दिया, और मैंने बताया था कि सारे के सारे जो सेंस ऑर्गन है उन सेंस ऑर्गन में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं रिसेप्टर, जो कि एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई को पहचानने का काम करते हैं। जैसे ही हाथ में इस प्लेट को टच किया, हमारे स्किन में प्रेजेंट थर्मो रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर, यहाँ जो प्रेजेंट हीट था उसको क्या किया, फील किया, उसको सेंस किया, और उसने उस इंफॉर्मेशन को इम्पल्स के फॉर्म में जेनरेट करके और न्यूरॉन को दे दिया, कौन सा न्यूरॉन बेटा, सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन लेके उस इम्पल्स को कहाँ जाएगा, बोलो, सिंपल ये ले कहाँ जाएगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर हमारे बॉडी को जो पता है क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, बेटा देखना ध्यान से, ये जो वर्क हो रहा है या ये रिस्पॉन्स तुमको देना है और या जो चीजें
सेंस कर रहे हो, ये कहाँ कर रहे हो, नेक से नीचे वाले पार्ट में, और नेक से नीचे वाले पार्ट का सारा इन्फॉर्मेशन पहले कहाँ जाता है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, हार्ट से टच किया, सेंसरी न्यूरॉन को वो इन्फॉर्मेशन मिला, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचा, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, सीएनएस। किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट नहीं बेटा, किसका पार्ट है, सीएनएस का। तो जैसे ही तुमने ये चीज टच किया, जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड के पास, ऐसी घटना पहले हो चुकी थी, ऐसी घटना पहले लाइफ में हो चुकी थी, तो उस घटना के लिए रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स जो था पहले से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फीड था। याद करो पहले वाले क्लास में, कल वाले क्लास में बताया था, जब बच्चा पहली बार प्लेट को टच करता है तो हाथ नहीं हटाता, क्यों, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं है। लेकिन जैसे ही वहां से कोई हाथ हटा लेता है उसके अंदर रिस्पॉन्स फील हो जाता है, फिर अगली बार अगर कुछ ऐसी घटना हो तो वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वहां से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन कहां पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड में, पहले ही घटना हो चुकी थी, रिस्पॉन्स पहले से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या था, फील था। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे ही मान लो ये गया, क्या था ये सेंसरी न्यूरॉन, और यहां से क्या था ये मोटर न्यूरॉन, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये क्या था, जैसे ये इंफॉर्मेशन ऐसे सेंसरी न्यूरॉन लेके गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फीड वो जो रिस्पॉन्ड था वो रिले न्यूरॉन के थ्रू कहां पे आ गया बेटा, मोटर न्यूरॉन, कहां पे आया, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन ने क्या किया कि यहां का जो मसल्स था, कहां का, हैंड का जो मसल था, उस मसल को, और ये इंफॉर्मेशन दिया कि भाई आप फोर्स क्रिएट करिए और हाथ हटा दीजिए। तो हाथ हटाने का काम कौन कर रहा बेटा, मसल कर रहा है, मसल। और याद करो मैंने बताया था कि जो रिस्पॉन्ड करने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो सिंपल सा मतलब यहाँ पे रिसीव किसने किया था, रिसेप्टर ने किया था, रिसेप्टर ने, रिसेप्टर ने किसको दिया, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन ने जो रिस्पॉन्ड था किसको दिया, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन कहाँ पहुंचा, रिसेप्टर के पास, और रिसेप्टर ने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया। क्लियर, जो दिक्कत था बात समझ में आ गई, ये जो एक्शन तुम्हें दिख रहा है इसी एक्शन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसका फ्लो चार्ट, और उससे हमको समझ में आएगा कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। ध्यान से समझना, कहानी बताना मुझे, पहले क्या था हमारा स्टिमुलस था, क्या था बेटा, स्टिमुलस, ठीक है। ये स्टिमुलस ने जब वहां के स्टिमुलस जब क्रिएट हुआ तो उसको रिसीव किसने किया बेटा, रिसेप्टर ने, किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन किसको दिया, स्पाइनल कॉर्ड, किसको दिया बेटा, स्पाइनल कॉर्ड, किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन, किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड ने, ये सेंसरी वाला स्पाइनल कॉर्ड था, इसने मोटर वाला स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड, मोटर वाले स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन किसके लिए दिया, रिले न्यूरॉन, इसके थ्रू रिले न्यूरॉन। यहां से इंफॉर्मेशन कहां गया, हमारे रिसेप्टर के पास, किसके पास गया बेटा, रिसेप्टर के पास, किसके थ्रू गया बेटा, मोटर न्यूरॉन के, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के। क्लियर, और मोटर न्यूरॉन ने फिर क्या किया, रिस्पॉन्स। अब एक चीज समझो यहाँ पे, क्यों ये जो फ्लो चार्ट है, इसी फ्लो चार्ट को कहते हैं रिफ्लेक्स आर, क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्स आर, क्यों कहते हैं आर, ध्यान से समझना। ये एक सर्किल, ठीक है, सर्किल कब हुआ, जब यहाँ जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था वहीं आके खत्म कर दिया, क्या बन गया, सर्किल। लेकिन हमने ये पढ़ा है मैथ्स में आर्क का डेफिनेशन, कि सर्किल के किसी दो पॉइंट के बीच का जो पार्ट होता है उस पार्ट को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। मतलब अगर वो पॉइंट सेम नहीं हुए तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, रिसेप्टर से, खत्म कहां किया, इफेक्टर तक। क्या ये दोनों पॉइंट सेम है, नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारा, आर्क बन गया, क्या बन गया, आर्क बन गया। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, पूरी बात समझ में आ गई, पूरा फ्लो चार्ट एक बार देख लो, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे साथ हो रहा होता है और उसी का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरी कहानी समझ में आ गई, चलो इसको जो दिख रहा है इसमें से लिख लो, अपनी कॉपी में फिर आगे बात करो।
गया मिटा दे इसको सब। अब ये तुम्हारा सिलेबस का जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। नर्वस सिस्टम वाला जो पार्ट था तुम्हारे सिलेबस का यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग को जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि मैं इस चैप्टर में तुम्हें वो सब करके दिखाऊंगा कि कैसे तुम्हें ये दिखेगा कि कैसे कोई इम्पल्स न्यूरॉन के अंदर पास होता है, कैसे कोई इम्पल्स न्यूरॉन के अंदर फ्लो करता है या एक पार्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंडक्ट करता है। तो थोड़ा सा ये तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस जाएगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा है। करंट पढ़ रखा है बोलो यस सर। करंट पढ़ रखा है तो ये इसी का समझ में आएंगे, क्लियर ना? यस सर। चलो देखते हैं कैसे फ्लो होता है, ध्यान से समझना, बहुत क्लियर क्लियर पेपर आऊंगा तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। ऐसे समझो, मान लो कि ये सेल बॉडी ऐसे ठीक, और इस सेल बॉडी से तुम्हारा क्या हो गया एक्सोन, ठीक है, और ये एक्सोन से ये मान लो तुम्हारा परमिशन टू क्रॉस। चार तरह की परमिबिलिटी होती है, इम्परमिएबल कोई परमिशन नहीं,
कोई क्रॉस नहीं कर सकता। सेमी परमिएबल सॉल्वेंट या सॉल्यूट में से कोई एक क्रॉस कर सकता है। सेलेक्टिव परमिएबल एसिड क्रॉस कर सकता है, बेस नहीं, बेस क्रॉस कर सकता है एसिड। और फुली परमिएबल कोई भी आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना है। अभी क्या है समझे आप, अभी ये है कि ये जो तुम्हें मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन दिख रहा है एक्सॉन का, इस मेम्ब्रेन ने परमिशन ना सोडियम को दे रखा है ना क्लोरीन को दे रखा है इसको क्रॉस करने का। तो ना क्लोरीन बाहर जा सकता है ना सोडियम अंदर जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अभी क्या है कि सोडियम बाहर क्लोरीन अंदर, इस स्टेट को कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। क्या कहते हैं उसका? पोलराइज्ड स्टेट। क्यों पोलराइज्ड स्टेट क्या होता है? पोलैरिटी क्या होती है? जब दो अलग अलग अपोजिट चार्जेस एक डिस्टेंस पे रहते हैं ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? पोलर स्टेट। क्या कहते हैं बेटा? पोलर स्टेट। बात समझ में आ गई? जैसे तुमको पढ़ाया हुआ क्या होगा HCl, क्या पढ़ाया गया होगा HCl, यहाँ क्या होता है नेगेटिव, यहाँ क्या होता है पॉजिटिव, इस वजह से ये क्या है पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है इस क्लोरीन के बीच अंदर और सोडियम बाहर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, इसलिए ये क्या है पोलराइज्ड स्टेट। अभी सबको क्या हुआ, मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक इंपल्स हमने जनरेट किया, डेंड्रोइट ने किसको दिया साइटोन को, साइटोन ने किसको दिया एक्सॉन को। इंपल्स मान लो हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे जहां जहां पे इंपल्स जाएगा वहां वहां पे मेम्ब्रेन जो होगा वो सोडियम को क्रॉस करने का परमिशन दे देगा। इतनी बात ध्यान रखना, जहां जहां पे जो ये जो जाएगा ये इंपल्स वो सोडियम को क्रॉस करने की परमिशन दे देगा। अभी परमिशन नहीं है, लेकिन जब जाएगा तो परमिशन दे देगा। मान लो यहां पहुंचा, जैसे ही यहां पे पहुंचा यहां से सोडियम क्या हो गया अंदर आ गया, सोडियम क्या हो गया अंदर आ गया। सोडियम जैसे ही अंदर आया तो सोडियम के आने की वजह से यहाँ कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया बेटा पॉजिटिव। और चूंकि सोडियम यहाँ बढ़ने लगा और यहाँ कम होने लगा इस वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया, कौन सा चार्ज हो गया ये कौन सा स्टेट हो गया डीपोलराइज्ड स्टेट। ये कौन सा स्टेट हो गया बेटा डीपोलराइज्ड स्टेट। जो पहले पोलैरिटी थी वो पोलैरिटी अब बदल चुकी है डीपोलराइज्ड स्टेट। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ से तुमको थोड़ा सा फिजिक्स का कांसेप्ट याद आना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, बात समझ आ गई? यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यानी समझ इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। बोलो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? अरे करंट पड़ा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होता है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ व्हाट नेगेटिव। तो जब तुम्हारा नेगेटिव चार्ज इधर बढ़ेगा तो करंट कहाँ बढ़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट बढ़ा तो करंट का कहाँ पहुंच गया यहाँ पहुंच गया। जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा, अब सुनो ध्यान से, अंदर की बात पहले बता रहा हूँ बाहर की बात हम बाद में करेंगे। जैसे ही करंट यहाँ पहुंचा यहाँ नेगेटिव चार्ज आके फिर इसने क्या कर दिया यहाँ पे सबको नेगेटिव कर दिया, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच चुका है। क्लियर, कोई दिक्कत है? बाहर की तरफ देखना, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव कहाँ पड़ेगा इधर के डायरेक्शन, पॉजिटिव कहाँ जाएगा यहाँ। अब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हुआ यहाँ क्या क्रिएट हो चुका है नेगेटिव और यहाँ पे दोबारा से क्या हो चुका है पॉजिटिव, बस बन गया। फिर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव इधर करंट आ गए, नेगेटिव इधर करंट आ गए, नेगेटिव इधर करंट आ गए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इंपल्स का कंडक्शन तुमको दिख रहा है, बोलो किसी को किसी तरह का कंफ्यूजन, इंपल्स का कंडक्शन दिख रहा है? सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इंपल्स का कंडक्शन जब एक्सॉन के थ्रू होता है तो उस टाइम पे करंट का डायरेक्शन एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में किधर होता है तो फ्रॉम साइटोन टू एक्सॉन है। ठीक है, और एक्सॉन के बाहर करंट का डायरेक्शन क्या होता है फ्रॉम एक्सॉन इनटू साइटोन इस डायरेक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनना ध्यान, ऐसे करते करते हमारा जो करंट था इलेक्ट्रिक इंपल्स था वो कहां पहुंच गया यहां, लेकिन इसके बाद तुमको क्या मिल गया बेटा गैप, क्या मिल गया गैप। और याद करो कि करंट जो है वो गैप में फ्लो नहीं कर सकता, उसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर चार्ज, या तो चार्ज है ही तो फ्लो कैसे करेगा नहीं। तो इस टाइम पे अब ये है क्या बेटा, मुझे बताना इस गैप को कहते क्या है, साइनेप्स गैप। और
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे बुक का, इसलिए बार ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये साइनेप्स को ये इलेक्ट्रिक इंपल्स अब क्रॉस कैसे करे भाई? अगर क्रॉस नहीं कर पाता तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमारे ब्रेन तक पहुँच पाता नहीं पहुँच पाता, लेकिन इन्फॉर्मेशन पहुँचता है यानी कि करंट इसको क्रॉस करता है तभी तो पहुँचता है, कैसे वो करेगा? अभी तक जो हमारा इन्फॉर्मेशन था वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कहाँ तक पहुँचा? साइनेप्टिक फॉर्म तक। लेकिन जब उसने देखा कि आगे आगे मामला बिगड़ रहा है तो फिर उसने क्या किया, अपना नेचर बदल दिया। उसने क्या किया कि अपने इलेक्ट्रिक इंपल्स में जो प्रेजेंट जो एनर्जी थी उस एनर्जी से क्या किया कि इस न्यूरोट्रांसमीटर के कॉन्फ़िगरेशन को बदल दिया। समझ में आ गई? उसने एनर्जी एसिटोकोलिन को दिया, उसने अपने अंदर कुछ चेंज लाया और फिर क्या हुआ कि ये जो साइनेप्टिक वेसिकल था ये धीरे धीरे मूव करते करते जॉन एंड से क्या हुआ यहाँ आके खुल गया, और जैसे यहाँ खुला यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकल निकल के अगले डेंड्रोइट के रिसेप्टर तक पहुंच गया। समझ में आ गई? जैसे ही अगर रिसेप्टर तक पहुंचे वो चेंज कॉन्फ़िगरेशन जो था वो फिर से रीस्टोर हुआ और उसने एनर्जी किसको पास कर दिया, अगले के डेंड्रोइट। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर का रोल क्या था कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आया उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को केमिकल के फॉर्म में कहाँ क्रॉस करा दिया है, इस साइनेप्स को क्रॉस करा के अगले डेंड्रोइट तक पहुंच गया। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स आया फिर इसने किसको दिया, साइटोन को, साइटोन ने किसको दिया, एक्सॉन को। फिर अगला साइनेप्स आएगा वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को केमिकल फॉर्म में चेंज करेगा, खुद अगले रिसेप्टर तक जाएगा और वहाँ आके फिर से उसको क्या कर देगा, पास ऑन कर देगा। पूरी कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे इंपल्स से कंडक्शन हो रहा है? तो ये तुम्हारा इंपल्स से कंडक्शन का तरीका था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में बना रहेगा, कोई इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स का उसको याद करने का नहीं, कुछ बहुत टफ चीजें नहीं है। क्लियर है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो कहीं कि कुछ ना समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक इंपल्स के फ्लो करने का जो पैटर्न है वो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, तो उसमें कुछ अगर लिखना हो तो ठीक है, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो याद रहेगा ही। ठीक है, चलो। तो अभी हमारा जो ऑफिशियली जो हमारा जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वो खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तुमसे ना हो पाए, बाकी अगर नहीं हो पाता है तो मैं यहाँ पे हूँ, हमारे सारे प्रश्न का जवाब देने के लिए। ठीक है, अभी हमको स्टार्ट करना है जो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या स्टार्ट करना था? एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का एक सिस्टम होता है जो हार्मोन के थ्रू बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। क्लियर? चलो देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम ध्यान से समझना, मैंने तुमको ग्लैंड बताया है दो टाइप का। ग्लैंड कितने टाइप होता है? और जो एक्सोक्राइन हो गया सिक्रीट करता है एंजाइम। ठीक है, एक्सोक्राइन जो एंडोक्राइन था वो जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो डायरेक्टली कहां पे लगता है? ब्लड पे। क्लियर है? लेकिन एंजाइम जो है वो जो अपना जो सॉरी एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो जो एंजाइम सिक्रीट करता है कहां पे लगता है? डक्ट के। कहां पे लगता है? डक्ट के अंदर। उसको उसके लिए स्पेसिफिक एक वहां पे पैसेज होता है, स्पेसिफिक वहां पे ट्यूब्यूल होता है जिसको डक्ट कहते हैं, वो उसके थ्रू फ्लो कराता है और डक्ट उसको ले जाकर उसके एक्शन पॉइंट तक पहुंचाता है। क्लियर? इसके बाद समझना, क्योंकि इस ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट था इस वजह से ये जो अपना कंडक्शन का काम जो करता था वो डक्ट की वजह से, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह के डक्ट का प्रेजेंस में नहीं दिखेगा, तो इस वजह से इस ग्लैंड को कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा? क्लियर है? तो मुझे लगता है ग्लैंड के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट है, उसके पहले आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमें अभी जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, उसके हार्मोन के बारे में, ब्लड के बारे में, कैसे उसका उसको एक्शन पॉइंट पर पहुंचाता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा रफली तुम्हें बता देता हूँ, बाकी ग्लैंड ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कल के लेक्चर में पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे। तुम्हें पढ़ते टाइम ध्यान कर देना, पहली बात समझ लेना, एंडोक्राइन पढ़ते टाइम ध्यान कर देना। सुनो ना, एंड
एंडोक्राइन ग्लैंड जब तुम्हें पढ़ाऊंगा तो एंडोक्राइन ग्लैंड में सारे के सारे ग्लैंड मेल एंड फीमेल में सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस होता है जो हमारे सेक्सुअल ग्लैंड, उनके अलावा बाकी सारे के सारे ग्लैंड जो मेल में प्रेजेंट होता है वही ग्लैंड काम प्रेजेंट होता है फीमेल में। टॉप टू बॉटम किस तरह पढ़ेंगे, मतलब सबसे टॉप पे कौन सा ग्लैंड है, उसके नीचे कौन सा ग्लैंड है, उसके नीचे कौन सा ग्लैंड है, फिर नीचे और ऐसे करते करते बॉटम तक जाएंगे, अगर बॉटम तक हमारे कोई ग्लैंड प्रेजेंट होगा तो पढ़ना क्या क्या है, ग्लैंड कौन सा नाम उसका, उस ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत अगर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पढ़ना मेन लिए क्या है कि हार्मोन का नाम, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है और उस पर्टिकुलर हार्मोन का क्या हमारी बॉडी में रोल, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है कि अगर वो हार्मोन जरूरत से ज्यादा हो जाए तब क्या बॉडी में इफेक्ट आएगा और अगर जरूरत से कम रहे तब क्या बॉडी, बस इतनी सारी चीजें पढ़नी है, जान समझो ग्लैंड का नाम कहाँ पे होता है वो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी में क्या रोल है और अगर वो नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा हो गया तो फिर क्या रोल और क्या चीजें हमारे बॉडी में इफेक्ट आएगा और अगर वो कम रह गया तो क्या हमारे बॉडी में इफेक्ट आएगा, क्लियर। तो एक बार जो ग्लैंड वाला पार्ट है वो कल से आपको पढ़ के आइएगा, बाकी उसके बाद दुनिया में पढ़ाऊंगा, तो उनको मैं ये यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो ग्लैंड है वो कल खत्म हो जाए क्योंकि बहुत ज्यादा उसको कुछ पढ़ना नहीं होता, फिर हम लोग अगले उसके अगले क्लास में पूरा पहले एनिमल जो कंट्रोल एंड पार्टिशन सिस्टम है उसके क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग प्लांट का जो कंट्रोल पार्टिशन करेंगे, ठीक है।